बच्चों, आपने अभी आयनिक बंध एवं सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा। ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, एवं ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इनके गुणों में हमने जाना कि आयनिक यौगिक को जब जल में घोला जाता है या वो द्रवित अवस्था में होते हैं तो उनमें आयनीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत का चालन संभव हो पाता है, जबकि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि उनमें आयनीकरण नहीं होता। यौगिकों में इस गुण को परीक्षण करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम विद्युत चालन का परीक्षण करेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो हैं 4 बीकर, जिनमें हमें क्रियाकलाप में सुविधा के लिए नाम दिए हुए हैं, बीकर क, बीकर ख, बीकर ग एवं बीकर घ। इसके अलावा हमारे पास है नमक, कैल्शियम क्लोराइड, शक्कर और ग्लूकोज, साथ ही विलयन को अच्छी तरह से मिलाने के लिए ग्लास रॉड, और विद्युत परिपथ के लिए हमने इस तरीके का एक परिपथ तैयार किया है। देखिए बच्चों, ये है 9 वोल्ट की एक बैटरी जिसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पर एलईडी के एक सिरे से जोड़ दिया है, और एलईडी के दूसरे सिरे में हमें यह एक तार जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही इसके निगेटिव टर्मिनल पर भी हमने यह तार जोड़ा हुआ है। इसके अलावा हमें आवश्यकता होगी 2 ग्रेफाइट की छड़ों की, जिसके लिए हमने इन पेंसिल का प्रयोग किया है। इस पेंसिल की ये लीड ग्रेफाइट का काम, ग्रेफाइट से बनी हुई है, इसलिए इसे हम अपने क्रियाकलाप में ग्रेफाइट की छड़ों के रूप में प्रयोग करेंगे जो कि इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेंगी। तो चलिए इन सभी सामग्रियों के साथ हम अपने क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बीकर क में 2 चम्मच नमक डालकर एक विलयन तैयार करते हैं। हम 2 चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से घोल लेते हैं। इसे थोड़ी देर इस तरह से रख देते हैं, ये और अधिक घुल जाएगा। इसके बाद हम बीकर ख में अपना अगला विलयन तैयार करने के लिए 2 चम्मच कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। इसे भी अच्छी तरह मिला लीजिए। पुनः बीकर ग की तरफ बढ़ते हैं और बीकर ग में हम 2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं। इस प्रकार शक्कर का विलयन प्राप्त करते हैं। और अंत में हम बीकर घ में 2 चम्मच ग्लूकोज इस तरह डालकर इसका विलयन भी तैयार कर लेते हैं। अब हम बीकर क, जिसमें हमने नमक का विलयन बनाया था, इसमें अपनी इन 2 ग्रेफाइट की छड़ों को डालते हैं। इस प्रकार से बच्चे, ग्रेफाइट की छड़ें आपस में टच नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी जो छड़ें हैं वो लकड़ी से कवर की हुई हैं, इसलिए यदि ये आपस में टच भी होती हैं तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। आइए इस विद्युत परिपथ का प्रयोग करें और देखें कि क्रियाकलाप में हमें क्या दिखाई दे रहा है। इसे हमने ग्रेफाइट के सिरे से इस तरह संयोजित कर लिया है और ये देखिए, ये ग्रेफाइट से हमने इसे टच करा दिया। देखिए बच्चों, ये एलईडी लाइट जल पड़ी है, देख पा रहे हैं आप। चलिए अब हम इसी क्रियाकलाप को दूसरे विलयन के साथ करते हैं और इन ग्रेफाइट की छड़ों को हम इस विलयन में डाल देते हैं जो कि हमें कैल्शियम क्लोराइड से प्राप्त हुई है। पुनः ग्रेफाइट की छड़ से इस सिरे को, और इसके बाद इसे हम टच करते हैं। देखिए पुनः आपको ये एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और यही क्रियाकलाप हम अगले विलयन में करेंगे,
यह विलयन हमें किससे प्राप्त हुआ है? शक्कर का विलयन है ये। शक्कर के विलयन में भी पुनः देखे बच्चों, ग्रेफाइट की छड़ को हमने इस तरह से दोनों सिरों को टच किया, फिर भी हमें एलईडी लाइट यहाँ पर जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए लास्ट में बीकर घ, जिसमें हमने ग्लूकोज का विलयन मिला हुआ है, उसमें यही प्रक्रिया करें। ये देखिए दोनों सिरों पर हमने अपना विद्युत परिपथ कंप्लीट किया, परंतु हमें एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बच्चों हमने देखा कि बीकर क और ख में विद्युत का बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया, जबकि बीकर ग और घ में विद्युत का बल्ब जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बीकर क जो कि नमक का विलयन है और बीकर ख जो कैल्शियम क्लोराइड का विलयन है, इसमें विद्युत का चालन संभव हुआ, अर्थात इसमें आयनिक बंध पाया जाता है, जबकि बीकर ग जो कि शक्कर का विलयन है और बीकर घ जो ग्लूकोज का विलयन है, इनमें हमें विद्युत का चालन संभव होता नहीं दिखा, अर्थात इसमें ससंयोजी बंध पाया जाता है। इस प्रकार हम यौगिकों के प्रकार कर आधार पर यह निर्धारण कर सकते हैं कि किस यौगिक में विद्युत का चालन संभव होगा और किस यौगिक में विद्युत का चालन संभव नहीं होगा।